नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में कोर्ट ट्रांसफर मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं ने डीएम ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सुल्तानपुर में नगर कोतवाली के दरियापुर में आरएसएस के पदाधिकारी विक्रम विजेंद्र सिंह के आवास पर दर्जनों मजदूरों के साथ भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया। वहीं एसपी ने इस मामले पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र में रैपुरवा उझई गांव में शादी समारोह के दौरान बच्चों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर हवाई फायरिंग और पथराव किया। सुल्तानपुर की कुड़वार थाना पुलिस ने मुकेश उर्फ मंगेशवर को 250 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के कसरावा गांव में भैंस चराने गई युवती की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी की जायज थाना पुलिस ने कत्ल की कोशिश के आरोप में सऊद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सऊद पर आरोप है कि उसने मेडिकल स्टोर पर दवा ले रहे युवक को गोली मारी थी। अयोध्या के पिटला गांव में एक ही परिवार के 11 लोग लापता हो गए। सूचना मिलने पर कुमारगंज थाना पुलिस छानबीन में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली के हरिलाल धर्मशाला में बंधित कटुआ बिक रहा है। आपको बता दें कि जंगल में प्रवेश करना और जंगल से कटुआ बीनना प्रतिबंधित है। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही मृतक सुशील कुमार का आधार कार्ड भी आरोपियों के पास से बरामद किया है। रामपुर के शाहबाद गेट पर तालीम नाम के लड़के ने तैयबा नाम की लड़की को गोली मारकर फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है। बरेली के प्रेमनगर थाने के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर अजय की सरेआम हत्या कर दी। अजय की माँ का कहना है कि सुबह से ही अजय को अपनी हत्या की आशंका थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।